भड़काऊ बयान के मामले में निजी न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चौहान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रांची के एक होटल में सुरेश चौहान के शपथ की वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुरेश चौहान पर आरोप है कि उन्होंने धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन को टैग करते हुए वायरल वीडियो की शिकायत की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि झारखंड में अशांति के प्रयासों को नाकाम करेंगे, जिसके बाद वायरल वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए जांच के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को टैग किए गए वायरल वीडियो में रांची के एक होटल में एक धर्म विशेष के लोगों को दूसरे धर्म के चिन्हित लोगों के बहिष्कार करने की शपथ दिलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में कई जन प्रतिनिधि सहित कई बड़े नेता शामिल थे। आपको बता दें कि इससे पहले वायरल वीडियो को लेकर सुरेश चौहान ने सीएम हेमंत सोरेन, सीएमओ और झारखंड पुलिस को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा था कि अभी तो शो का प्रसारण भी टीवी पर नहीं हुआ है। झारखंड में टीवी शो करने के लिए क्या शो का स्क्रिप्ट पहले पास कराना पड़ेगा। साथ ही लिखा कि मैंने संवैधानिक अधिकारों के तहत संवैधानिक भाषा में अपना टीवी शो किया है, अभी तो शो चला भी नहीं और आपका ट्विटर चलाने वाले मियां झारखंड पुलिस को जांच के आदेश दे रहे हैं। न्यूज डेस्क।